हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये समझने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का क्वेरीज आता है और इंक्वायरी पे वो पूछते हैं कि मैम सर से बात नहीं होगा। देखो बेटा, थोड़ा सा टाइम की कमी होती है, हमें और भी जगह क्लासेस लेनी होती है, तो थोड़ा सा समय का अभाव रहता है। बट मैं जितनी भी क्वेरीज आप लोगों की आई हुई है, जो इंक्वायरी पे आप लोग पूछते हैं, उन सब का एक मोटा मोटी जवाब दे देता हूँ। और आज मैं कोशिश करूंगा कि कैसे एडमिशन प्रोसीजर है, क्या होता है, कैसे होता है, वो उन चीजों के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मैं डिस्कस करूंगा, एक एक करके देखते हैं। हम अपने वेबसाइट पे आ गए हैं, आप लोग हमारे वेबसाइट पे आसानी से आ सकते हैं। लोग पूछते हैं कि सर ऐप पे क्लास होगी या कहाँ होगी क्लास, मतलब किस टाइप के प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। यूट्यूब पे नहीं पढ़ाऊंगा, पहले बतला देता हूँ, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाऊंगा। यूट्यूब पे ही पढ़ाना होता तो फ्री में पढ़ा दिया होता, ठीक है। दूसरी चीज, ऐप पे भी नहीं होगी। ऐप पे नहीं होगी, इसका सबसे बड़ा रीजन मैं हमेशा देता हूं कि मैं हमेशा, ये मेरी पॉलिसी है, मेरा ये पर्सनल मानना है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है। और आप जब तक नौकरी ना ले लो ना, तब तक मोबाइल पे मत रहना, उसके बाद मोबाइल पे सोना बाबू करते रहना, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन पहले मोबाइल छोड़ो, सोना बाबू बाद में कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप मोबाइल पे अपना गूगल खोलेंगे, गूगल पे आप सर्च करेंगे सनराइज क्लासेस या ISS कोचिंग दिल्ली सनराइज क्लासेस, दोनों में से एक में आ जाएगा, ठीक है, और दोनों पे भी आ जाएगा। तो हमने ओपन कर लिया है, हमारा वेबसाइट ओपन हो गया, आपको यही वेबसाइट दिखेगी, मोबाइल पर भी दिखेगी। मोबाइल वर्जन मैं यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ, किसी दिन मोबाइल के लिए भी बना के दिखा दूंगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमने ऊपर में ही कोर्स एट ए ग्लांस बतला दिया है कि अभी जो हमारे पास कोर्सेस अवेलेबल है वो ये सारे कोर्सेस हैं, ठीक है। इन सब में आप किसी भी लिंक पर, ये लिंक भी है इसमें, तो डेट भी आपका बगल में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 1 जुलाई से कम्बो ISS प्लस RBI DSM ऑनलाइन क्लासेस, बट ये रिकॉर्डिंग मोड में है, ये स्टार्ट हो रही है 1 जुलाई से। ISS ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डिंग वाला 1 जुलाई से, और जितने भी रिकॉर्डिंग वाले क्लासेस हैं वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। अब क्वेश्चन आपका होगा कि सर रिकॉर्डिंग मीन्स व्हाट, रिकॉर्डिंग मीन्स व्हाट, तो मैं आपको बता दूं कि ये डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग है। डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग मीन्स रिकॉर्डिंग के बच्चों के लिए ही रिकॉर्डिंग की जाती है। आप समझिए क्यों ऐसा कहता हूं, अगर आप लाइव लेते हो, लाइव क्लासेस लेते हो ऑनलाइन में ही, तो लाइव क्लासेस में क्या होगी, ऑफलाइन और लाइव क्लासेस साथ में चलती हैं। अब क्या होता है कि जब इंटरेक्शन हो रहा है, टू वेज क्लासेस हैं, तो इसमें क्या होता है कि किसी की कहानी, किसी की टांग खिंचाई हो जाती है समटाइम्स, और होना भी चाहिए, ऐसा होता है समटाइम्स। एंड उसको अगर मैं रिकॉर्डिंग में दूं, क्योंकि हो सकता है ना कि इस साल की रिकॉर्डिंग अगले साल भी चले, जनवरी से ही बैच स्टार्ट हो जाती है, तो उससे बेटर है कि एक डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग हो। और डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग में एक फायदा होता है, देखिए मैं कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, बच्चे समझ रहे हैं, लाइव वाले बच्चे समझ रहे हैं और ऑफलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि सामने वाला किस मोटिव से पूछा है वो मैं जानता हूं या वो जानता है, आप नहीं समझ पाएंगे, उस कॉन्टेक्स्ट को अगले साल समझना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग होती है, उसमें हम एक एक माइन्यूट थिंग्स को भी पकड़ कर चलते हैं। रही बात कि सर जो डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग होती है उसमें आपको ये समझ आता है कि हाँ मैंने समझा दिया, बट सपोज स्टूडेंट को समझ नहीं आती है किसी ऐसे पॉइंट पे, तो क्या, तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा पॉइंट बतला देता हूं, क्योंकि उसके लिए हमने अलग से व्यवस्था कर दी है कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी बात समझ नहीं आती है तो उसके लिए तरीका है लाइव मेंटरशिप, लाइव मेंटरशिप, ठीक है। ये लाइव मेंटरशिप आप ले सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे 8 बजे रात से ये लाइव मेंटरशिप आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे रिकॉर्डिंग ले रहे हैं उनके साथ साथ उनको लाइव मेंटरशिप की फैसिलिटी मिल रही है। सपोज कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप डायरेक्टली मेरे से डिस्कस कर पाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट भेजना है, दैट्स इट, अपना ईमेल आईडी डाल करके भेजिए। आपके पोर्टल पे ही वो पॉइंट भी दिया होगा जहां पे आपको बस भेजना है, तो आपने भेजा, आपको या तो सेम डे या अगले दिन आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर उस दिन मैं रहा तो उसी दिन मिल जाएगी, ज्यादातर केस में सेम डे मिल जाती है, नहीं तो अगले दिन मिल जाएगी 8 बजे से या 7 बजे से, वो आपको, आपके जो डाउट एक्सपर्ट टीम है वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि कितने बजे से रहेगी। आप मेल पे बस ध्यान रखना कि सनराइज क्लासेस से जो मेल आती है वो क्या है, बस। तो मतलब ये कि कहीं से कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, आप अगर रिकॉर्डिंग सेशन भी लेते हो तो लाइव मेंटरशिप के साथ ये आपका एक बेहतरीन चीज आपको मिल जाता है। क्यों, इसमें आप अपने पेस से देख सकते हो, एक दिन में 2 लेक्चर 3 लेक्चर भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है।
लाइव वाले में ऐसा नहीं होगा, लाइव वाले में मैं रहूंगा, एक दिन में आप एक ही लेक्चर देख पाओगे, ठीक है, मतलब लेक्चर क्या देख पाओगे, हमसे डायरेक्टली बात कर पाओगे, तो ये रहेगा। दूसरा, ये बातें तो आपको समझ में आ गई, तो ये आपका जो हो रहा है ना 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही है रिकॉर्डिंग वाली बैच, और मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको, अगर आप जॉब वाले हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो आप किसी जगह जा करके वीकेंड पे आप सेशन लेंगे। आपको बतलाता हूँ वीकेंड में प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने भी कभी कभार पढ़ा था अपने लाइफ में। तो स्टूडेंट लाइफ में जब जाते हैं ना, पहली बात तो 6 6 7 7 घंटे की क्लास ओवरबर्डेंड हो जाती है, पहला क्वेश्चन तो ये है, अगर ओवरबर्डेंड हो जाती है तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी उससे, क्योंकि एक आप सोच के देखो ना, 3 घंटे रेगुलर पढ़ना ही मुश्किल होता है। मैं तो देखता हूँ बच्चे थक जाते हैं 2.5 घंटे में, कहते हैं नहीं सर रहने दो, तो 3 घंटे ही काफी होते हैं, 6 घंटे तो ओवरबर्डेंड, क्या मतलब महा ओवरबर्डेंड हो गए, तो मुझे लगता है कि 3 घंटे की क्लास मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप हाफ एन आवर का रेस्ट लेकर के कुछ प्रैक्टिस करो या टेस्ट दो तो वो चलेगा, बट क्लासेस तो नहीं चलेंगे, क्योंकि माइंड में आना भी तो चाहिए ना, है ना, 2:30 बजे के बाद बच्चे सोने लगते हैं, तो ऐसी क्लासेस करके क्या फायदा जिसमें आप क्लास में हो ही नहीं, ठीक है। हमारी क्लास में एक चीज अच्छी बात है कि बच्चे सोते नहीं है जनरली, पढ़ते हैं, हमसे डिस्कशन करते हैं, है ना, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी बात है लाइव क्लासेस, ध्यान रहे इसमें आपको 3 मिल रही है, कम्बो ISS एंड RBI DSIM का, और DSIM का भी आप अलग से ले सकते हैं रिकॉर्डिंग वाले में। इस लाइव वाले में आपको कम्बो मिलेगी और ISS मिलेगी, ओनली 2। RBI DSIM लेना है तो कम्बो वाला ले लीजिए, उसमें आपका आ जाएगा, ठीक है, यही दे सकता हूं, क्योंकि अब क्या है ना, अब एक बच्चे को तो पढ़ाऊंगा नहीं, पहला क्वेश्चन देखिए, मैं बड़ा ही फ्रीक्वेंट बोलता हूँ कि एक बच्चे को तो किसी भी बैच में पढ़ाऊंगा नहीं, इतना टाइम नहीं है, तो जब एक बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा, इसका मतलब है कि मैं एक फैसिलिटी देता हूँ कि आप अगर, ऑब्वियसली बात है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो ISS और RBI DSIM लेना चाहते हैं, हाँ जिस बच्चे को लगता है कि सर मैं तो ISS के लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ, तो आप कम्बो ले लीजिए, आपका RBI DSIM अच्छे से हो जाएगा, ISS वाले टॉपिक्स के लिए आप इंक्वायरी पे बात करोगे थोड़ा बहुत मैनेज कर दिया जाएगा, ठीक है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, तो वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। दूसरी चीज, ऑफलाइन में भी सेम है, क्योंकि आपको मैंने बतलाया कि लाइव ऑनलाइन एंड ऑफलाइन साथ में चलेगी, तो ये आपके हैं। दूसरी चीज होती है सर एडमिशन कैसे लेना है, ठीक है, एडमिशन कैसे लेना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है सर एडमिशन प्रोसीजर क्या है, देख लो यहाँ इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे इंक्वायरी टीम के पास, किसी भी लिंक पे करोगे तो उस टीम को पता चल जाएगा कि आप किस कोर्स के बारे में बात कर रहे हो, फिर वो आपको जवाब देंगे, आप उनसे बात कर लेना। प्रोस्पेक्टस जरूर लेना, क्योंकि आप कहीं भी जाना, मैं पहले बतला देता हूँ, किसी भी कोचिंग में जाना प्रोस्पेक्टस जरूर मांगना, रिटेन सब कुछ होना चाहिए आपके पास, क्योंकि रिटेन में अगर नहीं मिलेगा ना तो बोलने का कोई मतलब नहीं होता, बातें समझिए, बोलने का कोई मतलब नहीं होता, बोलने के लिए तो आजकल इतने रील्स बनते हैं कि बोलना ही बोलना है, सब बोल ही रहे हैं, सुनने के लिए कौन तैयार है, ठीक है, सब तो बोलते ही हैं। तो अब समझिए आपको करना क्या है, यहां देख लीजिए कोर्स लिस्ट फी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस कोर्स लिस्ट फी स्ट्रक्चर पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद वो आपको क्या दिखेगा वो जरा सा देखिए, थोड़ा सा ओपन होने दीजिए, ओपन हो गया, कम्बो ISS RBI DSIM ऑफलाइन क्लासेस, डिटेल्स देखना है आप इस पे भी जाके देख सकते हैं, या डिटेल्स आप उस जो हमने बटन दिया था उस पर क्लिक करके, जो हमने कहा कि लिंक पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा लॉग इन कर लूँ, और कोई देखना मत मेरा रे, मैं लॉगिन कर रहा हूँ एंड फिर आपको समझा दूंगा क्या है, जरा सा गौर कीजिए, तो इस पे जो ही आप आएंगे ना, लॉगिन करना पड़ सकता है, तो लॉगिन करेंगे डिटेल्स ऑफ द कोर्स आप देख सकते हैं,
डेमो जिसको देखना है वो देख सकता है, और फी स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। ऑफलाइन का फी स्ट्रक्चर यहाँ रिवील नहीं कर रहा हूँ, ऑफलाइन की फी स्ट्रक्चर आप व्हाट्सएप टीम से पूछ सकते हैं, इंक्वायरी टीम से पूछ सकते हैं, ठीक है, यहाँ रिवील नहीं कर रहा हूँ। बट फी स्ट्रक्चर ऐसा है ना, 30,000 से लेकर के 80-85,000 तक का सारा रेंज जो है वो कवर्ड है, जो और हर फैसिलिटी ना बेस्ट है। ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि बेस्ट फैसिलिटी है। मैं ये बतला रहा हूं कि जैसे यूपीएससी में दिया जाता है ना, यूपीएससी आईएएस वाले, वैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी गई है, हमसे पहले कोई नहीं था, ठीक है, ये बात जान लीजिए। हमसे पहले जो भी थे, आप वही ना, कभी कभी आपको दिखेगा इस बार जो एग्जाम हुआ है उसमें बढ़िया अच्छे अच्छे स्टूडेंट के मोए मोए हो गए हैं, तो वो वाली सीन हो गई है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको कवर करना, फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, फी स्ट्रक्चर पे आप जाकर के फी स्ट्रक्चर देख सकते हो, फी स्ट्रक्चर वहीं से आपको पेमेंट भी करना होगा तो कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूं कि फी स्ट्रक्चर, ये तो ऑफलाइन का है जो कि आपको आकर के ही पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप टीम से जो है वो क्यूआर कोड लेकर के पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा चीज, अगर आप ऑनलाइन की बात करेंगे तो ऑनलाइन के फी स्ट्रक्चर यहाँ पे पेमेंट किए जा सकते हैं, ऑनलाइन का जो फी है वो यहाँ पेमेंट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे ये जो आपका है, एडमिशन इज ओपन फॉर 2025, मेकिंग पेमेंट थ्रू पेमेंट गेटवे विल ऐड 3% एक्स्ट्रा पेमेंट गेटवे चार्ज होता है। भाई मेरा नहीं होता है, अगर आप किसी की सर्विस लोगे तो वो पेमेंट लेता है, वो पेमेंट हमारे पास नहीं आता, वो पेमेंट जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का आप यूज करते हैं, जिस पेमेंट गेटवे का, उसके पास चला जाता है, तो वो चार्जेस आपको देने होते हैं। 60,000 है वन टाइम में, इसमें आपको 5,000 बचता है अगर आप वन टाइम देते हैं तो, अदरवाइज आपको 35 and 30 का फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप इस बटन पे क्लिक करेंगे और पेमेंट कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर हम ये एक्स्ट्रा चार्जेज आपको तो मिल नहीं रहा है, तो हम देना ही नहीं चाहते, तो मत दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें मिलता ना तो हम कहते कि इसी से दो, लेकिन हमें नहीं मिलता है, मत दीजिए। आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है, इस पे क्लिक करें। इस पे जो ही आपने क्लिक किया, आप देख सकते हैं इस पे आप आ गए। ये मैनुअल पेमेंट है जिसमें जो भी पेमेंट करेंगे डायरेक्टली हमारे पास आएगा, जो वो वाला पेमेंट है ना, हमारे पास 3 दिन बाद आपकी पेमेंट आती है, बस इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपने पेमेंट कर दिया है। तो ये बात भी आप ध्यान से रखिएगा कि हमें वो वाला थोड़ा सा लेट मिलता है, ये इस वाले में हमें और अच्छा है, तो इसमें आपको भी सुविधा है और हमें भी सुविधा है। यहाँ पे क्या करना है कि ये मैनुअल पेमेंट सर्विस है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये करना क्या है आपको, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। ध्यान रहे, मोबाइल से इमेज कैप्चर मत कीजिएगा, मोबाइल अलग रख करके या एक मोबाइल में खोल के दूसरे मोबाइल से आप ले सकते हैं। स्कैन करना है, इमेज स्कैन नहीं, पिक्चर स्कैन, ध्यान रहे। तो मतलब आपको फोटो खींच लेना पड़ेगा, तो आप इसको करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का भी कर सकते हैं 35, एंड ये आपको आप करेंगे, हमारे पास तुरंत पेमेंट आएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है, क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर देना है व्हाट्सएप पे, या फिर आप ईमेल पे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ये ईमेल या इस व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप इतना काम करके और फिर आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना, ध्यान रहे मैंने यहाँ लिंक दे दिया है, बट एडमिशन फॉर्म की सबसे अच्छी लिंक जो है वो यहाँ ऊपर दी गई है, ठीक है, दिख रहा है एडमिशन फॉर्म ब्लैक में, क्लियर। आपको एडमिशन फॉर्म पे जाकर के एडमिशन फॉर्म फिल करना है, एडमिशन फॉर्म में पेमेंट आईडी होगा। अगर आपको समझ नहीं आता कि पेमेंट आईडी क्या देना है, तो आप जो स्क्रीनशॉट भेजेंगे आप व्हाट्सएप टीम से पूछेंगे, वो बतला देंगे कि क्या होगा पेमेंट आईडी, क्लियर। अदरवाइज आपको पता है ट्रांजेक्शन आईडी या पेमेंट आईडी आप पुट करेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। जो ही आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, आपके पास एक एडमिशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज चला जाएगा ईमेल पे आपके, आप जो ईमेल इसमें पुट करेंगे उस पे, दैट्स इट, बात खत्म। मतलब कि ये काफी है आपके समझने के लिए। इस कोर्स में एक दो और बातें समझा देता हूं कि जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से हैं, लाइक यूपी बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान इस साइड हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं, उनके लिए बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बनाई जा रही है, जो भी आपका ऑफलाइन भी होगा तो दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी। जो बच्चे साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल अदर प्लेसेस विच दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी वेल, उनके लिए इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी। सो वी आर कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेजेस, एंड इसलिए आपको अगर हिंदी में लेनी है तो बाइलिंगुअल चलेगा, हिंदी नहीं होता क्योंकि यूपीएससी आईएएस की एग्जाम हिंदी में नहीं होती, ठीक है, इंग्लिश में ही होती है। तो आपको वैसे तो पढ़ना चाहिए इंग्लिश में ही, अगर इंग्लिश वन लेते हैं तो दैट्स बेस्ट।
हम भी कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादातर चीजें इंग्लिश में समझाएं, बट समझाने के लिए यूपी बिहार के लैंग्वेज को समझाने के लिए, दिल्ली हरियाणा के लैंग्वेज को समझाने के लिए आई एम वेरी कंफर्टेबल, मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा। सो ये सारी बातें हैं, आई होप कोई और भी क्वेरीज होगी तो मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स के सहारे, छोटे छोटे वीडियोज के सहारे आपको बतलाता चलूंगा, ठीक है। और दैट्स ऑल, आप कोर्स को लीजिए, 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही है रिकॉर्डिंग वाली, 15 जुलाई से 10 बजे दिन में, ठीक है, आपकी स्टार्ट हो रही है लाइव और ऑफलाइन, लाइव एंड ऑफलाइन दोनों। तो आप मुखर्जी नगर में आइए, विजिट कीजिए और जल्दी से जल्दी एडमिशन लेना शुरू कीजिए, सो दैट, क्योंकि एडमिशन कुछ बच्चे ने ले लिए हैं, आप लोग भी लेना शुरू कर दीजिए। बिकॉज हमारे पास ना एक चीज अगर आपको दिखा सकूं तो 20 बच्चों के सीट हैं, ठीक है, उससे ज्यादा बच्चे आते हैं तो फिर सीट की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी या देखा जाएगा कि नेक्स्ट बैच बनाया जाता है, तो ये चीजें आप देखें, क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और कुछ और भी सिखाएंगे। चलिए, थैंक यू।